नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है बदलापुर कांड का। यह बदलापुर कांड इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर जो दरिंदा था अक्षय शिंदे, उसका एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ इसका, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, अब उसे दो गज जमीन भी नसीब नहीं हो रहा है। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है और न्यायालय ने पुलिस से कई सवाल किए हैं। मामला सीआईडी तक पहुंचा हुआ है, लेकिन अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम होने के बाद अब उसे दो गज जमीन भी नसीब नहीं हो रहा है। कोई नहीं चाहता है कि उसके इलाके में उसका दफन हो। तो ऐसे में फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि उसे जगह मुहैया करा जाए, उसका जो है दफन किया जाए। तो देखिए लोगों में किस तरह गुस्सा है। आज हम जो है बदलापुर में कुछ महिलाओं से इस विषय में चर्चा की, उनका क्या कहना है इसको भी हम जानने की कोशिश की। महिलाओं का साफ साफ कहना है कि ऐसे दरिंदों का एनकाउंटर से भी बड़ा बुरा हाल होना चाहिए, लोगों में काफी गुस्सा है। तो पहले हम महिलाओं का स्टेटमेंट देख लेते हैं, उनका क्या कहना है। मैं एकदम राइट मानती हूँ कि इस तरह का एनकाउंटर होने चाहिए, तभी ये जो हो रहे हैं हाथ से बोल के आगे नहीं निकलने वाले। और इसके लिए और एक कानून लाना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए। जब तक ये स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएगा तब तक ये करते रहेंगे ऐसे, क्योंकि उनको 4 महीने 6 महीने साल बाद 2 साल तक जेल में रखेंगे, बाहर आ जाएंगे खा पी के मस्त मुस्टंडे होते जा, मगर इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं सुधरने वाले। बहुत अच्छा हुआ एनकाउंटर, हमेशा ऐसे ही होने चाहिए कि रेपिस्ट को लोग पकड़ के ले जाते हैं पुलिस, और बाद में किसी किसी से वो छूट जाता है। तो उनका बेटर यही है कि एनकाउंटर करो, प्रूफ करने में सारे साल लग जाते हैं, फायदा कुछ होता नहीं है। रेपिस्ट छूट जाते हैं बाद में, या तो फिर सजा भुगत के वापस आ जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही करना चाहिए। आजकल इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई न्याय नहीं है। इसका सीधा है कि एनकाउंटर करो खत्म। इस लोगों के लिए अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उनको ये जब देखेंगे कि ऐसा हो रहा है तो वो थोड़ा डरेंगे, नहीं तो लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है सब चीज करने में, तो लोग जल्दी भूल जाते हैं। एनकाउंटर होता है तो लोगों को ये एग्जाम्पल मिलता है कि हम हमारे साथ ऐसा होगा कि वो डर लगेगा। तो ये बहुत बेस्ट हुआ, लोगों के अंदर डर बैठेगा। अगर ऐसा नहीं होगा ना एनकाउंटर नहीं होगा तो सब लोग शांति बैठे रहेंगे, क्योंकि किसी को कुछ देखना सुनना कुछ है नहीं, बस अपने मन का करना है और कुछ देखना है। अगर एनकाउंटर होंगे तो लोग जागरूक होंगे और ऐसा काम करने से डरेंगे, उनके अंदर डर तो रहेगा। अगर कुछ गलत करेंगे तो डरेंगे, अगर एनकाउंटर नहीं होंगे तो लोग तो ऐसा करते ही रहेंगे, किसी को लेना देना नहीं। नेता तो अपने मन का ही करते हैं, उनको भी किसी को लेना देना नहीं, लेकिन जो जनता है वो परेशान होगी। तो देखा है फ्रेंड्स, महिलाओं पर कितनी गुस्सा है। ऐसे दरिंदों को तो एनकाउंटर से भी बड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोगों में कानून का डर होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक बच्चों का बच्चियों का सवाल नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है। क्योंकि आए दिन जो है इस तरह से घटनाएं होती रहती है, आए दिन कहीं ना कहीं अगर अखबार उठा के देखेंगे तो आए दिन पेपर में जो है 2-4 घटनाएँ जो है इस तरह से सामने आती हैं। तो लोगों का साफ साफ यही कहना है कि ऐसे दरिंदों का जो है एनकाउंटर से भी बुरा हाल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।